कृषि के क्षेत्र में विकास हो, उत्पादन बढ़े, इसके लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, उनकी मेहनत और नई तकनीक के इस्तेमाल की वजह से ही कृषि के क्षेत्र की अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है और हमारे किसान भी ज्यादा सक्षम हो रहे हैं, उनकी आय में वृद्धि भी हो रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अगर खेती को उन्नत और लाभकारी बनाना है तो नई तकनीकों का इस्तेमाल करना ही होगा। ऐसी तकनीक जो कम जगह में ज्यादा उपज देने वाली हो, गुणवत्ता का भी ख्याल रखती हो और खतरनाक रसायनों से मुक्त हो। इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी इसी दिशा में काम कर रहा है। यहाँ से नई तकनीक सीखने के बाद ये अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में चले जाएंगे और वहाँ किसानों को प्रशिक्षित करेंगे। इस तरह लैब में तैयार तकनीक लैंड तक पहुँच जाएगी। गुणवत्ता वाले फसलों के लिए यहाँ संरक्षित खेती पर जोर दिया जा रहा है। रसायनों से बचने के लिए हाइड्रोपोनिक है और कम जगह में ज्यादा उपज के लिए वर्टिकल फार्मिंग। इसके अलावा ये संस्थान आधुनिक तकनीक को खेतों तक पहुंचाने का भी काम कर रहा है। इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षण की सुविधा है। प्रशिक्षण किसानों के लिए भी है और उद्यानिकी अधिकारियों के लिए भी। हमारे पास एक टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पर है, जहाँ पर हमने बहुत सारे पॉली हाउसेस लगाए हैं, जो बेसिक पॉली हाउस से लेकर बहुत हाई एंड पॉली हाउस, जो कि दुनिया में किसी भी जगह आप वैसे उस लेवल के पॉली हाउस मिलेंगे। तो वहाँ हमारे पास एक फैसिलिटी थी, वो तो हमने स्टार्ट किए कोर्सेज। आगे आगे हम बाकी कोर्सेज भी करने लगे। फार्मर्स की ट्रेनिंग कराते हैं यहाँ पर, फील्ड फंक्शनर्स की ट्रेनिंग कराते हैं, जो एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं उनके ट्रेनिंग्स कराते हैं, जिसके कॉन्टेंट्स के जो से कंपोनेंट्स थे, जो हाईटेक नर्सरी रेजिंग कैसे करते हैं, सॉइललेस कल्चर, जब बिना मिट्टी रहित हम पौध कैसे बना सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स जो एक नई टेक्नोलॉजी अभी है, सॉइललेस हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन जिसमें मिट्टी का उपयोग ही नहीं किया जाता है, और मशरूम के बारे में लोगों के लिए आजकल बहुत ज़्यादा एक उत्सुकता है, जानकारी लेने की वो बहुत कीन होते हैं। तो हमने जो ये एक्सपोजर उनका कराया था, जानकारी हो जाएगी कैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, पॉली हाउस फार्मिंग में नर्सरी को रेज करते हैं, कैसे टमाटर को रेज करते हैं, कैसे कलर कैप्सिकम को रेज करते हैं। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जो पोटैटो में बहुत पायनियर काम कर रहा है इंडिया में, उनके संस्थान में हम लेकर उनके साथ इंटरेक्ट कराते हैं हम फार्मर्स को, ऑफिसर्स को। ये ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वो जो फार्मर्स आते हैं या ऑफिसर्स आते हैं, ये एक्सपोज हो जाए डिफरेंट टेक्नोलॉजी से। जब वो टेक्नोलॉजी देखते हैं फार्मर्स फील्ड पर इम्प्लीमेंट करते हुए, वो दे फील एट ईज, वो उनको लगता है कि हम आसानी से कुछ टेक्नोलॉजी अपने क्षेत्र में भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हाइड्रोपोनिक की एक टेक्निक है, सॉइल लेस मीडिया सिस्टम। हम सबको हाइड्रोपोनिक के बारे में पता है, आजकल हमारे भारत में हाइड्रोपोनिक की बहुत ज़्यादा प्रगति चल रही है। उसी में एक सिस्टम है जो हमने इस ग्रीन हाउस में यूज़ किया है, ग्रो बैग और ट्रफ बैग। इन दोनों में हमने एक चेरी टमाटो की वेराइटी निकाली है। आज तक सभी लोगों ने लाल चेरी खाए थे, हम लोगों ने एक नई वेराइटी निकाली है, गोल की जगह आप ये देख सकते हैं कि ये लंबे लंबे ग्रेप्स टमाटो, हम इन्हें इनका नाम बोलते हैं येलो ग्रेप्स टमाटो। और ये जो आपकी वैरायटी है, ये रिजवान की वैरायटी है। साथ ही में उस तरफ अगर आप देखेंगे कुछ समय में, तो आप ये देख पाएंगे कि वो हमारी नोनग्यू की वैरायटी गोल्डी है। ये दो वैरायटी, ये पीले चेरी आपको, आप जितने भी लेते हैं, पीला चेरी आपका जो है टेस्ट में बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता और आपको ये एक देसी फ्लेवर देता है। तो हमने उसी के लिए ये प्लांट्स को निकाला है। हमारा ये जो प्लांट है, टोटल 9 से 10 महीने की इसकी कंप्लीट साइकिल होती है। इस प्लांट की आप हाइट देख सकते हैं, ये मैक्सिमम आपका 18 से 20 फीट जाता है। पर प्लांट आपका 5 से 6 किलो प्रोडक्शन निकलता है। ये सभी प्लांट्स की आप हेल्थ देख सकते हैं कि हम लोग इसमें कोई भी सॉइल यूज़ नहीं करें, जिसके वजह से बिना पेस्टिसाइड्स के हम इन प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स जो है इट बेसिकली ये प्लांट्स ग्रो के लिए है, सिर्फ वाटर में कैसे ग्रो कर सकते हैं विदाउट सॉइल क्लियर। और फर्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो यही है कि हम इसमें सॉइल यूज़ नहीं करते हैं। ग्रोइंग मीडिया के लिए हम कोकोपीट, परलाइट या वर्मिकुलाइट यूज़ करते हैं एज फर आवर कम्फर्ट जोन। और यहाँ पे कोई भी, जैसा कि मतलब सॉइल तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो सॉइल बॉर्न डिसीज़ होने का भी कोई चांसेज नहीं बनता है। हम यहाँ पे कोई भी लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीनी वेजिटेबल्स एज अ सैलड, यूज़ होने वाली हर्ब्स, सॉप्स, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। बाकी ये पूरा NFT है, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक पे बेस्ड है। जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है इसको, वो रूट्स के थ्रू, रूट्स पानी के थ्रू एब्जॉर्ब करती हैं और उसके बाद चैनल्स में फ्लो होता है।